दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच अक्सर कई मुद्दों को लेकर तकरार चलती रहती है। ऐसा ही एक मुद्दा अब सामने आया है। अखबारों में विज्ञापन को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापनों को अखबारों में छपने नहीं दे रही है। हालांकि इस मसले पर राज्य सरकार को चीफ जस्टिस की तरफ से फटकार मिली है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस मामले में जल्दी सुनवाई की अपील की थी, जब राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उनके विज्ञापन अखबारों में पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय कमेटी ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखते हैं, ऐसे में ये विज्ञापन कहां रुक रहे हैं। इतना कहने के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अक्सर अपनी स्कीम योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर अखबार, टीवी और रेडियो में विज्ञापन देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।